हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजमूल और आप देख रहे हैं एमएम टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नासा के द्वारा 2011 के बाद यानी कि 9 साल बाद और एक ह्यूमन स्पेस मिशन को अंजाम दिया गया और सक्सेसफुली ऑलरेडी अचीव भी कर दिया गया है। दोस्तों, इन जनरली मैं आपको ये बता दूं, नासा के द्वारा 2 नए एस्ट्रोनॉट को भेजे गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को और इसमें इस्तेमाल की गई हैं स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई क्रू ड्रैगन नाम की एक स्पेस क्राफ्ट, उसमें 2 एस्ट्रोनॉट को भेजी गई हैं कल रात को यानी कि 30 तारीख को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो इस चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां पे इस टाइप के पेंडेमिक में पूरी दुनिया जूझ रही है, हर एक इंसान परेशान है, वहां पे स्पेस एक्स एंड नासा के जो वैज्ञानिक हैं ये अपना काम में लगे हुए हैं बड़े ही शिद्दत के साथ। दोस्तों, इन जनरली अगर इनको फ्री टाइम में छोड़ दिया जाए ये और भी अच्छे तरीके से और भी बड़े बड़े मिशन को अंजाम दे पाएंगे। दोस्तों, जहां पे इस टाइप के कोरोना के पेंडेमिक चल रहे हैं वहां पे कल रात यानी कि 30 तारीख को 2 नए एस्ट्रोनॉट को स्पेस को भेजी गई है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वहां पे रिसर्च करने के लिए। कुछ हफ्तों तक वहां पे वो रिसर्च करेंगे और दूसरे जो वैज्ञानिक वहां कार्यरत हैं उनको भी हेल्प करेंगे कुछ काम में और उसके बाद ये फिर वापस आएंगे। दोस्तों, इन दोनों को भेजी गई हैं जो कि स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो कि नासा के संग मिलकर इन्वेस्टिगेशन और बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम में ये लोग मतलब उनके साथ में कोऑपरेशन कर रहे हैं और इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपना साथ दे रहे हैं नासा को। इनके जो बनाए गए एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है क्रू ड्रैगन नाम की एक स्पेस क्राफ्ट, उनमें 2 एस्ट्रोनॉट को भेजे गए हैं। दोस्तों, स्पेस एक्स के विषय में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। स्पेस एक्स एक अमेरिकन कंपनी है जो कि 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके सीईओ और फाउंडर एलन मस्क हैं। आपको सुनने में मिलती होंगी एलन मस्क हर टाइप के मुसीबत के टाइम में और हर टाइप के पेंडेमिक के टाइम में चर्चा में रहते हैं और बहुत सारा सलाह देते हैं और मशवरा करते हैं। एलन मस्क का नाम बहुत ज़्यादा है और ये हर वक्त नासा और स्पेस एक्स ये दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन में बहुत बड़ा बड़ा मिशन को अंजाम दिया जाता है और बहुत सारे रिसर्च भी करते हैं और फ्यूचर जो स्पेस में जो भी प्रोग्राम होंगी ये दोनों कंपनी एक नासा जो है गवर्नमेंट से है और ये स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है, ये दोनों का कोलैबोरेशन में बहुत बड़ा बड़ा मिशन को अंजाम दिया जाएगा। इस मिशन को अंजाम दिया गया है यूएस में यानी कि अमेरिका में। फ्लोरिडा में उपस्थित कैनेडी स्पेस स्टेशन से 2 एस्ट्रोनॉट को भेजे गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वहां पे रिसर्च करने के लिए। कुछ हफ्ते के बाद फिर वो वापस आएंगे। इसमें जो इस्तेमाल किए गए हैं रॉकेट वो भी स्पेस एक्स से बनाई गई रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9 और जो कैप्सूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे इसका नाम है क्रू ड्रैगन, ये भी स्पेस एक्स से बनाई गई स्पेस क्राफ्ट है। दोस्तों, ये दोनों इस्तेमाल किए गए स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिकी कंपनी। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात है जो कि नासा एंड स्पेस एक्स का जॉइंट कोलैबोरेशन में इस टाइप का मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन में पहुंचने के लिए 19 आवर की समय लगेंगी और ऑलरेडी हो चुका होगा 19 आवर। दोस्तों, ये ऑलरेडी वहां पहुंच चुके होंगे, आप अभी जाके चेक कर सकते हैं। मैं जब शूट कर रहा था 19 आवर नहीं हुई थी तो इसलिए अब अभी जाके वहां देख सकते हैं। ये दोनों एस्ट्रोनॉट वहां पहुंच चुके होंगे, वहां रिसर्च शुरू कर चुके होंगे और कुछ हफ्तों के बाद ये फिर वापस आ जाएंगे वर्ल्ड को। तो इसमें जो 2 एस्ट्रोनॉट गए हैं जो कि 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है डूग हर्ली जो कि 53 साल इनका उम्र है और एक है बॉब बेकनेन, इनका उम्र 49 ईयर है। ये दोनों रिसर्च वहाँ करेंगे, कुछ हफ्ते तक वहाँ पे रहेंगे और जो वहाँ एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं, साइंटिस्ट मौजूद हैं वहाँ पे जो रिसर्च कर रहे हैं, इन टाइप के स्पेस में जाके रिसर्च कर रहे हैं जहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है और इनको रिसर्च करने में हेल्प मिलती है, वहाँ इनको हेल्प करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे कुछ हफ्ते के बाद अपने धरती को। तो दोस्तों, आपको इसके विषय में देखने में बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।